सुनील चोपड़ा भी सैनिक बन जाए, आज शपथ ले ले कि वो भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि आर्थिक फ्रंट पर भी हमको चाइना का बहिष्कार तो करना है। चाइना का बहिष्कार नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सारी, क्योंकि आप कम्युनिस्ट हैं। सेनाएं लड़ती रहेंगी, हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे, और हमारे देश की जो आम जनता है उसे सिर्फ सस्ते सामान से मतलब है। अब भारत में चीन से स्मार्टफोन बनकर आ गए, करोड़ों लोगों के पास चीन का बना फोन है, सबको लगता है कि चीन सुन रहा है। मैं आपको कुछ नाम बता दूं, बिग बास्केट, आप सब इस नाम से वाकिफ हैं, उसमें चीन के 250 मिलियन यूएस डॉलर लगे हुए हैं। बायजूस, उसमें 50 मिलियन यूएस डॉलर्स लगे हुए हैं। पूरे देश में आपने देखा कि किस तरह से एक मुहिम से छिड़ चुकी है, चाइना प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए। क्या ये बॉयकॉट से देश को फायदा या चाइना को नुकसान हो सकता है? इसके बारे में जानकारी की उम्मीद मेनस्ट्रीम मीडिया से की जाती है, क्योंकि लोग मेनस्ट्रीम मीडिया के जरिए ही सही जानकारी प्राप्त करते हैं। पर आपने देखा कि मेनस्ट्रीम मीडिया जानकारी तो नहीं दे रहा, पर जो बॉयकॉट की मुहिम है उसमें शामिल जरूर हो रहा है। जी न्यूज पर डीएनए में सुधीर चौधरी बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट की मुहिम सफल होने की बात कर रहे हैं, और साथ ही उन लोगों को भी सुना रहे हैं जो अभी भी इस मुहिम में शामिल नहीं हुए। आज के विश्लेषण की शुरुआत हम एक शुभ समाचार से करना चाहते हैं, और वो शुभ समाचार ये है कि हिंदी चीनी बाय बाय की जो मुहिम हमने आप सबके साथ कल शुरू की थी, उसे पूरे देश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, और पूरे देश में चीन में बने सामान और चीन की नीतियों का हर जगह हर कोने में विरोध शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग आज भी हमारे देश के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो हमारे ही देश में रहने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस देश के लोग बदलने वाले नहीं हैं, सेनाएं लड़ती रहेंगी, हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे, और हमारे देश की जो आम जनता है उसे सिर्फ सस्ते सामान से मतलब है। वो टेलीविजन पर हैशटैग डालकर कुछ भी लिखते रहें, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते रहें, लेकिन जैसे ही उन्हें सस्ता टीवी दिखाई देगा सामने, सस्ता मोबाइल फोन दिखाई देगा, सस्ता कोई भी सामान दिखाई देगा, वो तुरंत उसे खरीद लेंगे, चाहे वो चीन का ही बना हुआ क्यों ना हो। न्यूज नेशन पर एक डिबेट में दीपक चौरसिया विपक्षी नेता को बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट की मुहिम का समर्थन ना करने पर टोकते नजर आए। सुनील चोपड़ा जी बताइए, चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे या फिर 1962 की तरह आप भी गलवान वैली में जाएंगे भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए चीन के समर्थन में? इस वक्त हाँ ना ये वो करके हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुनील चोपड़ा भी सैनिक बन जाए, आज शपथ ले ले कि वो भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि आर्थिक फ्रंट पर भी हमको चाइना का बहिष्कार तो करना है। तो सुनील चोपड़ा कहे सीपीएम के नेता कि मैं चाइनीज सामान नहीं खरीदूंगा। चाइना का बहिष्कार नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सारी, क्योंकि आप कम्युनिस्ट हैं, इंडस्ट्री है वो चाइना पे डिपेंडेंट है। आप क्या बात कर रहे हैं, मूर्खों वाली बातें मत कीजिए। संदेश सुन रहा है, आप मुझे मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि चाइना पर हमको डिपेंडेंट रहना चाहिए इस हालात के बाद भी? बंद कर देंगे, बताइए। सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं कि चाइना पर हमको डिपेंडेंट रहना ही है, ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने 1962 में चीनी सेना का समर्थन किया था। कार रक्त अगर देना है तो चीनी सैनिकों को दो, भारतीयों को मत दो। लेकिन आपका चाइना के प्रति इतना प्रेम क्यों है? सुनील चोपड़ा जी अगर भारतीय है तो ये शपथ तो ले सकते हैं ना मेरे साथ कि मैं सिपाही हूँ भारत का और चाइनीज सामान को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत है सुनील चोपड़ा को? वहीं रिपब्लिक भारत पर भी बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट को बढ़ावा देते नजर आए। और आज महाभारत में आप और मैं इस देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक शपथ लेंगे, जिस चीन ने धोखे से हमारे वीर जवानों पर वार किया, जिस चीन ने बातचीत की आड़ में अपना असली रक्त चरित्र दिखाया, उस चीन में बने सामान को हम हाथ नहीं लगाएंगे, उसे खरीदेंगे नहीं, उसका पूरी तरह से हम बहिष्कार करेंगे, चीन का बोरिया बिस्तर हिंदुस्तान में बंद करेंगे। 5 लाख करोड़ का सामान चीन से हम खरीदते हैं। मैं ये पैसा चीन की जेब में नहीं डालूंगी, उस जेब को खाली करने की ताकत मुझ में है, आप में है, क्योंकि वो जेब भरती है तो उससे चीनी सेना मजबूत होती है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन मैं इसकी शुरुआत कर रही हूं, आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चीन पर मिलकर आइए प्रहार करते हैं। बात करते हैं तो मीडिया इस मुहिम के साथ नजर आ ही रहा है, चाहिए तो ये था
कि मीडिया साथ में ये भी बताता कि चाइना की भारतीय बाजार पर कितने हिस्सेदारी है और इस मुहिम से चाइना को कितना असर पड़ेगा। खैर, इसके अलावा बाकी मीडिया ने अपने शो के जरिए चाइना की भारतीय बाजार में हिस्सेदारी को लेकर जानकारी दी है। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो प्राइम टाइम में चाइना ने भारत में कहां कहां निवेश किया है इसकी जानकारी दी है। चीन का बहिष्कार हमारी अधूरी राष्ट्रीय आकांक्षा है जो पैदा की जा रही है। एक दिन आएगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा और हमारे बच्चे चीन के फोन में रंग भरकर उसे पिचकारी बना देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें चीन से आने वाली पिचकारियों का बहिष्कार करना होगा। भले हम एक साल होली ना खेले, वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग ने होली मुश्किल कर दी है। अब भारत में चीन से स्मार्टफोन बनकर आ गए हैं, करोड़ों लोगों के पास चीन का बना फोन है, सबको लगता है कि चीन सुन रहा है। Xiaomi, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, लोनोवो, मोटोरोला, ये सब चीन के ब्रांड हैं, जिनका भारत के आधे से अधिक बाजार पर कब्जा है। सरकार ने इतने सारे ऐप बनाए हैं, वो कहां डाउनलोड करेंगे। सीनियर पत्रकार विनोद दुआ ने HW न्यूज नेटवर्क पर अपने शो के जरिए ये बताया कि चाइना किन भारतीय कंपनियों में निवेश किया है। चीनी कंपनियों ने करीब $6 बिलियन भारत में लगा रखे हैं। अब ये थाली बजाना एक और शुगल है, हकीकत में आपको बता रहा हूँ, एक फैक्ट शीट दे रहा हूँ, जरा सुन लीजिए। चीनी कंपनियों ने करीब $6 बिलियन भारत में इन्वेस्ट कर रखे हैं। गेटवे हाउस मुंबई की एक थिंक टैंक है जिसने करीब 75 ऐसी कंपनियाँ चिन्हित की हैं, हमारा ध्यान दिलवाया है, जहाँ पर चीनी निवेशकों ने ई कॉमर्स, फिनिटेक, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स में पैसा लगाया है। 18 ऐसी कंपनीज हैं जो यूनिकॉर्न्स कहलाई जाती है, 30 है वैसे टोटल तो, लेकिन भारत की 18 यूनिकॉर्न। मैं आपको कुछ नाम बता दूं, बिग बास्केट, आप सब इस नाम से वाकिफ हैं, उसमें चीन के $250 मिलियन लगे हुए हैं। बायजूस, उसमें $50 मिलियन लगे हुए हैं। उसके अलावा जो हम दवाइयाँ और दवाइयाँ बनाने के जो रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, 70% हमारे चीन से आते हैं। तो कोरोना महामारी के इस वक्त में दवाइयों के जो आयात है उस पर भी असर पड़ेगा इसका। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यदि हम चीन से अपने आयातों को देखें तो हम पाते हैं कि उनमें पावर प्लांट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, मेट्रो रेल कोचेज, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स शामिल है, और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर भी शामिल है। इसके अलावा बात करें तो 3,000 करोड़ की लागत से तैयार स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी चाइना की हिस्सेदारी है। इस मूर्ति में जो कांसे की प्लेटें लगी हैं, वह चाइना से इंपोर्ट की गई थी। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी सेना जो बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल कर रही है उसमें 40% जैकेट सामग्री, जिसमें कपड़े और बोरान काइबर्ड पाउडर शामिल है, चीन से आयात किया जा रहा है। तो इतने सब से आपने भी अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना ने किस तरह निवेश कर भारत के बाजार पर अपना कब्जा जमाया रखा है। मेनस्ट्रीम मीडिया को ये बताना चाहिए था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे अगर हम बायकॉट करें तो शायद चाइना की अर्थव्यवस्था पर कुछ असर हो। खैर, हम उम्मीद करेंगे कि सरकार कोई ना कोई हल निकाल कर दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म कर शांति से मसला सुलझाने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।